काली माता मंदिर में अभी अभी छत से मलवा गिरा है ये अंदर, यहाँ शायद पानी मर रहा है, ये ऊपर पानी मर रहा है इसमें ऊपर, ये बाल्टियाँ भी बनाओ, जगह जगह बाल्टियाँ रखी हुई हैं, हाँ बना के भेजो। ये बाल्टी किस चीज़ की है? ये पानी के लिए रखी हुई है। हाँ वो देखो, ये ना जो बाल्टियाँ पई है ना, ये इसलिए रखी हैं यहाँ ना, पानी चोरा है ऊपर से छत से ना। ये देखो, एक तो ये पई है बाल्टी, एक ये पड़ी है बाल्टी, इसमें पानी ऊपर से गिर रहा है। दो बाल्टियाँ ये पई हैं, ये ना थोड़ा खतरे वाला काम है, संगत आ रही है, इसमें काफ़ी लोग जो हैं भगत नीचे बैठे हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है इसमें जो है, ये सीरियस लेना पड़ेगा। ये काली माता मंदिर कालका का गर्भगृह है, जाओ वहाँ का है ये। ये छत पे ना, ये देखो सारी जनता यहाँ आ रही है, छत पे सारा पानी मर रहा है ऊपर, और जगह जगह से पानी नीचे गिर रहा है। शायद छत किसी ने चेक नहीं करी है, ऊपर इसके पानी खड़ा होगा बहुत ज़्यादा, और सारी छत जो है ये अभी अभी यहाँ से काफ़ी ऊपर मलवा गिरा है ऊपर से। ये देखो ये गिरा है अभी काफ़ी, और ये नीचे है अभी उठाया है, तो इसको देखना बड़ा ज़रूरी है। संत राम शर्मा, व्हाइट हाउस पिंजौर। मैं इस समय काली माता मंदिर में आरती के समय में आया था, तो यहाँ ना जो माता काली जी का मेन गर्भगृह है, उसके पास ही अंदर हॉल में अभी अभी छत से जो है मलबा गिरा है भक्तों के ऊपर, मेरे ऊपर भी गिरा है काफ़ी। ये देखो, देख भी रहे होंगे आप, ऊपर निशान पड़े हुए हैं। तो ये देखने से पता चला है कि ऊपर छत पे शायद पानी खड़ा है, इसमें क्रैक आ गया, मेन जो हॉल है इसकी जो छत है उसमें क्रैक आ गया। ये बड़ा गंभीर मसला है, इसको जो है प्रशासन को देखना चाहिए आके, क्योंकि यहाँ देखो ये काफ़ी जो है भक्त बैठे हैं जिनके ऊपर गिरा है मलबा, अभी इधर भी गिरा है, अभी ये देखो छत के में पंखा जो चल रहा है, ये पंखे के ऊपर से अभी गिरा है यहाँ। तो ये इसमें ऊपर देखने से पता चलता है कि ऊपर ना छत में क्रैक आ गया, जिससे ये मलबा कभी भी ये जो है इसमें कोई दिक्कत आ सकती है, कहीं ये ज़्यादा बड़ा हादसा ना हो जाए, इसको अभी गंभीरता से सोचना चाहिए प्रशासन को, या इसमें संस्था भी कोई आके इसको देखे, अगर प्रशासन के पास कोई साधन इस टाइम नहीं बनता तो इसको देखना चाहिए। हम सब भक्तों को, मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि या तो इसको खाली कराया जाए हॉल को, इसको जो है देखा जाए, क्योंकि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। यहाँ मंडली कीर्तन करती है और काफ़ी भक्त आते हैं माता जी के पास, धन्यवाद, इसको जो है देखना चाहिए। मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है, धन्यवाद धन्यवाद।